देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आज देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सवेरे मैंने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था कि आज की मार्केट की पोजीशन क्या होगी। ये हमने आपको एक समुद्र के ज्वार भाटा का एग्जांपल दे करके बताया था कि ऐसे ही जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यही सिनेरियो बना रहेगा। तो आज कोई खास मार्केट ने किया नहीं है, और इन्होंने क्या किया वो एक ग्लैंस मार लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। बिकॉज ये समय जो भाई अपना SIP करने उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिन भाई को लमसम करना है वो थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ करके अपना पैसा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि छोटा छोटा ही एकुमुलेशन काफी बड़ा एकुमुलेशन हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो है ना थोड़ा बहुत जरूर उसको करते रहेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा बेनिफिट भी होता है। सबसे पहले निफ्टी 50 की मैं बात करता हूँ तो 43 पॉइंट केवल अप हुआ है, एंड उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की तो 128 पॉइंट अप हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक 165 पॉइंट डाउन हुआ है। और ये शुक्र मनाइए HDFC का कि जो कि आज चल गया है, और HDFC के बारे में आप लोगों को पता ही है कि मार्केट का हाथी माना जाता है वो, तो निफ्टी उसमें बैंकिंग में, इसलिए 165 पॉइंट गिरा है, नहीं तो आज काफी गिरावट हो जाती। दूसरा IT में ना के बराबर 2.40 वहीं पर योग कर रहा है, एंड आपका वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप ने कुछ भी खास नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके मोस्ट एक्टिव स्टॉक में कोटक महिंद्रा देखिए आपका गिरा है, जबरदस्त फॉल हुआ है। वहीं ICICI बैंक का भी फॉल आप देख ही रहे हैं। पावर सेक्टर थोड़ा सा अपना मूवमेंट हुआ है। वहीं पर अगर बात करें बाई एंड सेल की तो FIIs ने सेल किया है 964.47 करोड़, और वहीं DIIs ने सेल किया है आपका 1352 करोड़ का। तो ये आज की मार्केट का सिनेरियो है, और ये बात हमने आपको कर दिया था कि आज कंसोलिडेट ही रहेगा, सवेरे ही बता दिया था, क्योंकि जो बैरोमीटर है आजकल क्रिप्टो को अगर आप देख लेते हैं ना तो उसी बैरोमीटर पर तकरीबन मार्केट झोलझाल करती है। हाँ, इंडियन मार्केट कभी कभी सरप्राइज कर देती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय हम थोड़ा सा लोगों से हटके ना यार, इंडियन है भाई, ठीक है ना, ग्रेट इंडियन है, इंडियन एक ग्रेट इंडियन है, हम मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या आज का आपका थोड़ा सा ये अपना जो है कमेंट वगैरह मैं देख लेता हूं। कमेंट में एक कमेंट बहुत ही प्यारा आया हुआ जो कि मेरे दिल को छू गया, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे वीडियो, वैसे मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा एंड सब्जेक्ट पर बात जरूर करना। ये कोई विकास शर्मा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, किस वाले वीडियो पर कमेंट किया था, जी हाँ म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, उस पर किया था। लास्ट की बातें बहुत ही बढ़िया लगी आपकी कि किस एज में क्या करना है, पहला उन्होंने लिखा है। दूसरा विकास शर्मा जी ने लिखा है, YouTube ना होता तो हम शायद ये सब बातें शायद ही सुन पाते और ना ही शायद इनसे मिल ही पाते। देखिए विकास शर्मा जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप जैसे मैं अच्छे लोग ही बोलूंगा, क्योंकि दिल से अच्छी बातें निकलती हैं, जिनकी अच्छी सोच होती है, जो मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छा ही आप लोगों को बताने की, तो ठीक है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग जुड़ते जाएं, और जिससे आप लोग लाभान्वित होते जाएं, आपका जीवन सुखद हो, बुढ़ापा बढ़िया कटे, बच्चे आपके बढ़िया सफल हों, और आर्थिक रूप से जो हमने आर्थिक जर्नी स्टार्ट करी हुई है और अमीरी की तरफ जो हमने कदम बढ़ाया हुआ है, अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आई थिंक एक बढ़िया साथ मिल जाए तो शायद उतना ही अच्छा हो जाता है। तो आप लोगों के साथ के लिए शुक्रगुजार हूं मैं। आगे बढ़ता हूं मैं आज के सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, उस पर चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट आज का है कि आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1,30,00,000 अकाउंट सेबी ने क्या कर दिया, KYC ना कंप्लीट होने की वजह से उसको होल्ड पर डाल दिया है, और साथ ही इंस्ट्रक्शन जारी किया है जिसको निर्देश बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग अपनी KYC कंप्लीट कर लें। अब उनका कहना है कि ये KYC के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, जिसमें एक चीज है, हो सकता है किसी का पुराना अकाउंट होगा जिसमें पैन कार्ड भी ना हो, क्योंकि उस समय पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था पहला, वैसे तो बाद में तो मांगना शुरू कर दिया था। दूसरा आधार कार्ड नहीं था, तो लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस, आपका राशन कार्ड, आपका बैंक की पासबुक एटसेट्रा डाल करके उसके बाद में अपना KYC करा था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और अपना अकाउंट खोल दिया था बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को दे करके खोला था, जैसा कि आज के टाइम पर बैंक की लीफ वगैरह चेक लीफ वगैरह देते थे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब 1.0 उस पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए क्यों क्या हो रहा है,
कि कई सारी चीजें होती है ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक करके पीती है। अब मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। जब ये विजय माल्या ना पैसे लेकर के भाग गया और नीरव मोदी, तो उस समय क्या हुआ था कि पीएनबी बैंक सरकारी बैंक जो है ना लाइमलाइट में आया था। अब उनका तो कुछ ये लोग कर नहीं पाए। फैक्ट सुनिएगा, कभी कभी क्या होती है ना, सच कड़वा होता है लेकिन कभी कभी बोल भी देना चाहिए, और ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जिसके किसी को हानि हो। एक संस्कृत का श्लोक मैं बोला चाहूंगा, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम प्रियम अप्रियम। तो सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी को अप्रिय लगे, खराब लगे, उसके दिल को हर्ट करे। तो मैं कोई हर्ट करने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां पर करोड़ों लोग हर्ट हो रहे हैं वहां पर तो बोलना जरूरी है। वैसे क्या है, मैं गलती उनकी भी देना चाहूंगा कि 31 मार्च तक का डेट इंक्रीज हो करके सेबी के इंस्ट्रक्शंस आए थे। और मैं आपके एक बात आपको बता दूं कि जैसे आरबीआई बैंकों की बॉस है ना, जब चाहती है तब उसके बाद वो वहां पर ही उनको गिरा देती है। जैसे अभी आप रिसेंटली पेटीएम का हाल देख लो, लथेड़ करके रख दिया शर्मा जी को, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपका सेबी जो है ना, वो आपके इक्विटी का, जितने भी इक्विटी हो, चाहे वो शेयर्स के इक्विटी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, दलाल स्ट्रीट में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड हो आपका, तो उसकी बॉस आपकी सेबी, सेबी के ही रेगुलेशन उनको वहां पर मान्य होते हैं। अब सेबी ने इंस्ट्रक्शन दिया था तो या तो उन्हें चेत जाना चाहिए था, अगर नहीं चेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना केवाईसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट कर दीजिए तो आपका वो अपडेट हो जाएगा। बैंक का अकाउंट सही तरीके से फुलफिल कर दीजिए और नॉमिनी सही तरीके से ऐड कर दीजिए, तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसमें देखिए सिंडो जे भी है ना, तो वहां मैं उसकी बात कर रहा था, विजय माल्या और नीरव मोदी की। तो वहां पर क्या हुआ कि पीएनबी वालों के सारे बैंकों ने केवाईसी मैंडेटरी कर दिया, और अब मानेंगे नहीं कि मैं इलाहाबाद की जो मेन ब्रांच है ना उसमें, वो बिल्कुल एकदम से सिविल लाइन में है, वो संगम पैलेस है, तो वहां पर मेरा अकाउंट था। और उस संगम पैलेस में मैं अभी 3 महीने पहले मैंने कंप्लीट केवाईसी किया था, होल्ड कर दिया उन्होंने मेरा अकाउंट। फिर मैं गया और काफी बड़ी ब्रांच है वो, ठीक है ना, जोनल, क्या मतलब जो है वो रीजनल नहीं, जोनल बैंक है वो पीएनबी की। फिर जितना हमारे भी मुंह में आया था ना, मैंने भी अच्छे से फिर बका, मैं बोला यार पैसा लेकर के कोई बात क्या मार रहे हो हमें, 3 महीने पहले हमने कंप्लीट केवाईसी किया आपको, पूरे डॉक्यूमेंट हमने किया, और उसके बाद में हमने इसको, हमारा सिंगल अकाउंट था, हमने ज्वाइंट भी किया, हाँ अपना भी मैंने जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट दिया, अपनी वाइफ का भी डॉक्यूमेंट दिया, और ये दे रहे हो, सिला दे रहे हो यार आप लोग, हद हो गई एकदम से। फिर उन्होंने उसको अप्लाइज भी किया क्योंकि उनकी गलती थी। तो ऐसा कुछ सिंड्रोम जब हो जाते हैं, गवर्नमेंट की निगाह में कोई चीजें आ जाती हैं, तो ऐसे ही सेबी ने ऐसे ही बोला था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और खास करके मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कहीं ना कहीं ये डाउट तो हो ही रहा है कि यार जो ये इतना सारा पैसा आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, ये फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहाँ का पैसा है, कौन सा पैसा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अपना केवाईसी आप सही तरीके से कंप्लीट करवा लीजिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए जिसके साइड, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपका केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं जो प्रभावित होगा, इससे आपका रिडेम्पशन भी प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपके, आप प्रॉफिट बुक करना चाहोगे, आप एसटीपी करना चाहोगे, एसडब्ल्यूपी करना चाहोगे, या आप रिडीम करना चाहोगे, तो जितने भी प्रोसेस है वो सारे सारे होल्ड में डालने का मतलब है ना, तो आप लमसम कर पाओगे, तो ये सारा आपका क्या होगा ना कि वहीं पर ही होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप कोई प्रक्रिया कर पाओगे। तो बस इसमें है नहीं, कोई खास नहीं है, और इसको आप प्लीज अपना कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है, पहला तो इसको नोट कर लें। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लिया जिनका है, अब जैसे मान लिया मेरे को भी आज ये कीड़ा कुलबुला गया है, ये जैसे मैंने कल कोई लमसम नहीं किया था, ठीक है ना, कल तो मेरी छुट्टी ही थी, आज भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वाले में भी कोई होल्ड हो गया हो। 4-5 एमसी है, एमसी में मैंने आप लोगों को बताया हुआ मैं करता हूं, तो अभी मैं क्या करूंगा, हर उसमें ओपन करूंगा,
और हजार हजार रुपए का लमसम करूंगा, जो मेरा नहीं हुआ होगा उसको बैठे बैठे अपलोड कर दूंगा। ले भाई ये ले, आधार कार्ड पैन कार्ड मेरी केवाईसी कंप्लीट करो, और कुछ चाहिए तो बताओ यार, उसको भी अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो, और अगर अकाउंट नहीं होल्ड हुआ बाकी वही है, टायर्डनेस हावी है तो, लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी था। तो ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं भी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत 0.1 सेकंड लगता है दोस्तों, केवल किसके लिए, सब्सक्राइब के लिए 0.1 सेकंड लगता है बेल आइकन को दबाने के लिए। तो जो नए व्यूअर्स है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक और शेयर करें ताकि मैं भी एनर्जेटिक रहूं और मैं भी आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूं, परिवार भी बढ़ता जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू।